और आपसे निवेदन करेंगे आदरणीय व्यवस्थाओं को देखते हुए जैसलमेर को घोषणा पैकेज की जाए ताकि वहाँ चिकित्सा व्यवस्था हो। आपने बोलने का अवसर लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। साथ ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने हमारे उदौर बड़े विधानसभा को बहुत कुछ दिया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही देखिए, मैं बता रहा हूँ तो आप बहुत कुछ दिया उदौर बड़ी को, 4 CAC और PSC और सब सेंटर इतने दिए जितना बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारे माननीय सभापति महोदय, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ये सोचेंगे कि कुछ मांगा नहीं, 2 CAD, 1 हमारे PSC है और 1 मणकसास है, तो वो शानदार भवन है। अगर उनको PSC में कर्मनोत कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि उदौर बड़े में 4 CAC हैं और उसमें उदौर बड़े में 5 पद रिक्त हैं, पोंक में 2 पद रिक्त हैं, गुड़ागोड़ जी में 2 पद रिक्त हैं और बड़ा गांव में 3 पद। और मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि 5-6 लाख की आबादी वाला ये उदौर बड़ी, इसमें एक भी फिजिशियन का पद भरा नहीं है, मतलब एक भी फिजिशियन नहीं है आज की तारीख में। तो कितना दुर्भाग्य कि ग्राम में, मैं ग्रामीण एरिया से आता हूँ, अगर ऐसा होता है, जब अभी हमारे दोस्त से गोवर्धन जी बोल रहे थे हमारे मेंबर साहब, तो उन्हें गांव की बात की, अगर गांव में थोड़ी सी चिकित्सा सुविधा ठीक हो जाएगी तो बहुत सुधार होगा साहब। उनको बहुत बड़ी तकलीफ होती है, शहरों में तो फिर भी मिल जाती है, लेकिन गाँव में आदमी को सुविधा बहुत कम मिलती है। और मैं माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, ज़्यादा मेरी डिमांड नहीं है, अब थोड़ा सा सुधार हो जाए, ग्रामीण जो इसको CAC हैं PSC में थोड़ा सा सुधार हो जाए तो बहुत बड़ा लाभ होता है जनता को, गरीब आदमी को। जैसे आप जांच का विषय है, तो वहाँ मशीनें हैं और वो जांच वहाँ होती है, उसी से काम चल जाता है, कुछ मशीनें खराब पड़ी, थोड़ा सा निवेदन है कि जब मशीन को सुधार हो जाए वहाँ तो लोगों को सीधा लाभ होता है। और वो एक दूसरा ये है कि ग्रामीण एरिया में जांच डॉक्टर करते हैं, ये ध्यान देने की बात है माननीय सभापति महोदय, उसमें अध्यक्ष महोदय, कि वो जांच जब मरीज जाता 8 बजे और वो जांच करने के लिए उनको समय दे दिया जाता है 1 बजे का, और जब पेशेंट 1 बजे तक कैसे रुकेगा, तो जैसे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो जांच 1 घंटे में दे देते हैं और वो दिखा के आ जाता है, और हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें जांच का समय या 12 बजे या 1 बजे, और उसमें डॉक्टर क्या होते हैं, डॉक्टर आपके घर चले जाते हैं और वही दुकानदारी शुरू हो जाती है, तो इससे बड़ा नुकसान होता है अपने क्षेत्र में, ग्रामीण एरिया में। तो मेरी मांग है कि आप छोटा सा आदेश के ऊपर ये जांच 1 घंटे में अपन क्यों नहीं दे सकते, अपन तो दे सकते हैं ना, तो अगर जांच समय पर मिल जाए लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरी एक मेरी बहुत बड़ी डिमांड है, उदौर बड़ी नगर पालिका जहाँ 60-70 हज़ार की जनसंख्या, साहब 5 गाँव मिले तो 1 लाख जनसंख्या है और 2 नेशनल स्टेट हाईवे हैं, उदौर बड़ी जयपुर से वाया उदौर बड़ी झुन्नू और एक नागौर जोधपुर से दिल्ली, बहुत बड़े एक्सीडेंट होते हैं वहाँ, और पिछले कुछ दिनों पहले मनसा माता में 7 मौत हुई थी एक साथ, और गुड्डागौड़ जी में 10-11 हुई थी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके शोक प्रकट किया था। और वहाँ मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वहाँ हमारा ट्रोमा सेंटर बन के तैयार हो गए, भवन शानदार तैयार हो गए, सिर्फ संसाधन वहाँ हो तो वहाँ बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो मैं निवेदन करूँगा हमारे अध्यक्ष महोदय कि हमारे मंत्री महोदय थोड़ा सा ध्यान देंगे इस तरफ, क्योंकि वहाँ कई सालों से डिमांड है और बहुत बड़ा कस्बा, बहुत दिनों से, क्योंकि वहाँ एक्सीडेंट होते हैं तो उनको सीकर या जयपुर लाया जाता है, वहाँ आसपास में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसको मरीज को दिखाया जा सकता है। तो ये बड़ा मन करके ये ट्रोमा सेंटर तो बहुत जल्दी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे और तो खैर ठीक है सारा काम, थोड़ा सा एक डॉक्टरों की जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वो ठीक नहीं है। 2 डॉक्टर लगे हुए हैं, वो लोग भी टाइम पर नहीं आते, तो वो समय के लिए आप वहाँ CCTV कैमरे वगैरह ये जो हमारे जो मशीनें हैं उनका कर दें, तो वो सही जो सही मायने में ये होता है कि रात को जब पेशेंट या डिलीवरी जाती है तो डॉक्टर लोग खोलते भी नहीं है,
देखने की बात तो दूर की बात है महोदय, तो मैं निवेदन करूंगा इतना आश्रय पे कि वहाँ उन लोगों को जो डिलीवरी वगैरह है उसके लिए उनको पाबंद करें डॉक्टर जो भी है, और जो उनको पाबंद करें तो लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा होगी। सभापति धन्यवाद, जय हिंद।